15 अगस्त 1947, आज 200 साल की गुलामी के बाद हिंदुस्तान फिर आजाद हो रहा है। इस आजादी को हासिल करने के लिए हमने जो जो कुर्बानियां की, वो आज स्वराज के सूरज की किरणें बनकर चमकने वाली है। हम जिस तिरंगे झंडे के सुनहरे सपने देखा करते थे, वो तिरंगा झंडा आज अपनी पूरी रंगीनियों के साथ लहरा रहा है। आओ हम सब मिलकर इसे अपनी इज्जत और आबरू की तरह संभालें और वक्त आने पर अपनी जान देकर भी इसकी रक्षा करें। अपना देश है, अपना देश है, अपना देश, अपना देश है, अपना देश है, अपना देश, अपना देश है। आज से दब रहे थे लाज से, अपना देश है, आज से दब रहे थे लाज से, दूसरों के राज से, उनके तख्त ताज से, उनके तख्त ताज से कट गया है अब कलेश। अपना देश, अपना देश है, अपना देश है, अपना देश, अपना देश है, अपना देश है, अपना देश। आहा, आ गया जिस दिन के लिए हमने कपड़े के 50 गोदाम भर रखे थे, वो दिन आ गया। अब क्या है, अपना राज, सरकारी भाव का कंट्रोल खत्म करा देंगे, मुंह मांगे दाम लेंगे और अपने सारे गोदाम काठों के बदले सोने चांदी की ईंटों से भर लेंगे। मगर हम व्यापारियों के लिए ये खुदगर्दी ठीक नहीं। ये खुदगर्दी नहीं, भगवान की मर्जी है। बोलो जय आजादी। अपने देश के हैं हम, इसके आगे सर है खम, इसके आगे सर है खम, इसके चूमले कदम, कह के वंदे मातरम, कह के वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। जय हो बेश बेश अपना देश, अपना देश है, अपना देश है, अपना देश, अपना देश है, अपना देश है, अपना देश। आजादी जिंदाबाद। अब हमारे हाथ अनाज के ढेर हर पाव के बदले शेर हो जाएंगे। अगर और 6 महीने इसी तरह माल दबाए रखा हमने, तो हजारों के लाखों हो जाएंगे पड़े पड़े। मगर देख, अगर पड़े पड़े गेहूं को घुन लग गया और चावलों में कीड़े पड़ गए तो? अजी, हम कीड़ों को भी हीरों के मोल बेच लेंगे। अपना देश है, अपना देश है, अपना देश, है सिपाही है सवार, है सिपाही है सवार, है जवानो जानिसार, है जवानो जानिसार, है किसानों का मगार, है किसानों का मगार, सावधान होशियार। तेरा देश है अब तो देश, तेरा देश है अब तो देश, अपना देश, रानी। अब हम फिल्म वालों के लिए नए फिल्म बनाने का मौसम आ गया। आजादी का फिल्म, कांग्रेस, चरखा, खादी, दांडी मार्च, 1942, फिट इंडिया, नेताजी बोस, अदादीन फोर्स, लीडरों के चित्र और जगह जगह महात्मा जी के जय किनारे। ऐसा फिल्म, ऐसा फिल्म कि फिल्मी दुनिया में तड़का मचा दे, लाखों की आमदनी, करोड़ों की साख, धाक बन जाएगी हमारी धाक। अब किसी का डर न कर, डर न कर, उठा तू सर, उठा तू सर, ऐ शेर नर तू है नरेश, शेर नर तू है नरेश, अपना देश, अपना देश है, अपना देश है, अपना देश, अपना देश है, अपना होती है, सवार होने की नहीं। काका जी बैठो ना अंदर, क्या देख रहे हो?
स्वराज्य का दृश्य देख रहा हूँ। मेहता जी, आज छुट्टी के दिन हमें क्यों दफ्तर आना पड़ा? अरे भाई, हेलो जी, मैं जगदीश नारायण, धनीराम सेठ के दफ्तर का मैनेजर। कौन? सेठ जी, धनीराम सेठ जी? नहीं, अभी नहीं आए। उनके घर पर फोन कर देखिए, वहां नहीं है तो आते ही होंगे। आपका नाम क्या कहा? कैलाश चंद। जरा फिर कहिए। काला चश्मा? हाँ हाँ, लिख लिया, काला चश्मा। आप आएंगे यहाँ? जी, मैं कह दूंगा सेठ जी से। काला चश्मा, काला चश्मा। नेताजी, कुछ बोनस वोनस मिलने की आशा है या नहीं? मेहता जी, जरा आइए तो। ये फोन कब आया था? किसने लिया था, तुमने? जी मैंने, आपके आने से जरा पहले। वो आने वाले हैं आपसे मिलने यही। खैर, बैठो बैठो बैठो, आज से इन बातों का ज्यादा ख्याल रख किया करो। हाँ तो मेहता जी, अब हमें आजादी का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। जी, जिस तरह अंग्रेज सौदागरों ने अंग्रेजी हुकूमत में अपने हाथ रंगे, उसी तरह हमें भी अपनी सरकार के सहारे अपने कारोबार को बढ़ाना चाहिए। इसलिए हमने 3 नई कंपनियां खोलने का इरादा किया है। इस तरकीब से हम इनकम टैक्स के लाखों रुपए बचा लेंगे। मगर सेठ जी, इनकम टैक्स तो देना ही चाहिए, अब तो अपनी सरकार है। बेशक बेशक, हम कोई सरकार को धोखा नहीं देना चाहते। बल्कि उसी बचत से जलसों, दावतों, चंदों, फंडों और अफसरों की खातिरदारी का खर्च निकालेंगे। आखिर ये भी तो देशकारी काम है, क्यों? क्यों नहीं सेठ जी, देशकारी काम तो है ही। हाँ तो इन नई कंपनियों का सारा हिसाब किताब आपके जिम्मे होगा। घबराइए नहीं, काम बढ़ जाने से आपको जो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हर एक कंपनी के 5-5 शेयर्स आपके नाम कर दिए हैं। लीजिए, इन कागजों पर दस्तखत कर दीजिए ताकि इन्हें वकील साहब अपने साथ लेते जाएं। सेठ जी, आपका कहना तो। कहो कहो, रुक क्यों गए? मुझे इस जोखिम में न डालिए, मुझे उलझनों से डर लगता है। अजी, उन उलझनों को सुलझाने वाले हमारे वकील साहब जो अपने साथ हैं। क्यों वकील साहब? हाँ हाँ मेहता जी, आप तसल्ली रखें, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। मगर वकील साहब, ये बड़े आदमियों के चौसले हैं। तो क्या तुम बड़े आदमी नहीं बनना चाहते? क्या सारी उम्र 150 रुपए महीने पर बिताओगे? ये तो सेठ जी की मेहरबानी समझो, वरना इन्हें हिस्सेदारों का कोई घाटा है। अब भी न मानोगे तो जिंदगी भर क्लर्क ही रहोगे, क्लर्क। ये सब ठीक है वकील साहब, पर मुझे कायदे कानून की। कायदे कानून के लिए हम जो मौजूद हैं, कानून को मोम की नाक समझते हैं हम, जिधर चाहे मोड़ तोड़ कर रखते हैं, हाई कोर्ट तक झूठ को सच कर दिखाएं। जरा ठंडे दिल से सोचो मेहता, आजादी की तरह लक्ष्मी भी बड़ी मुश्किल से हाथ आती है, घर आई देवी को यूं ना ठुकराओ। लो, कर दो दस्तखत।
मेहता जी जी, ये लो आजादी की खुशी में दफ्तर वालों को एक एक महीने का बोनस बांट दो जी, और आज की छुट्टी जी। अच्छा सेठ, मुझे इजाजत, इन कंपनियों की रजिस्ट्री कल ही हो जाएगी। नमस्ते जी। जय हिंद मेहता जी। जय हिंद। तो चलो, जय हिंद। चलिए मेहता जी, एक साथ चलें। जी नहीं, मुझे अपने बेटे सतीश से मिलना है, दीपक सिंह। अगस्त, पुलिस रेडियो बुलेटिन नंबर 17। ये खबर बड़ी खुशी से सुनी जाएगी कि कल शाम से लेकर अब तक शहर में कोई बात ऐसी नहीं हुई जिससे शहर के अमन में फर्क आया हो। लाखों आदमियों का जुलूस शांति से गुजर गया, जिसके लिए जनता और सरकार दोनों धन्यवाद के योग्य हैं। पुलिस बुलेटिन नंबर 17 खत्म हुआ। भगवान करे अब हमेशा के लिए ऐसी ही शांति रहे और अपने देश में फिर से रामराज कायम हो जाए। हेलो हेलो, डिप्टी कमिश्नर खुफिया पुलिस का हुक्म, दीपक माल पुलिस के सब इंस्पेक्टर सतीश के नाम। सतीश, सतीश। हेलो हेलो, डिप्टी कमिश्नर खुफिया पुलिस का हुक्म, दीपक माल पुलिस के सब इंस्पेक्टर सतीश के नाम। खबर मिली है कि थाना के सागर किनारे पर कपड़े की बहुत सारी गांठें किश्तियों में लादी जा रही हैं। ख्याल किया जाता है कि ये माल चोरी चोरी सागर के रास्ते किसी पराये देश को भेजा जाएगा, इसलिए सब इंस्पेक्टर सतीश को हुक्म दिया जाता है कि वो फौरन थाना के सागर किनारे पर हमला करके माल कब्जे में लाए और अपराधियों को गिरफ्तार करे। हमीद खान, मोटर ट्रांसपोर्ट वालों को फोन करके पुलिस वैन मंगा लो और तुम आते जवानों के साथ पुलिस वैन में फौरन थाना के सागर किनारे पहुंचो। बहुत अच्छा, मैं मोटरसाइकिल पर तुमसे आगे जाकर चोरों की टोह लगाता हूं। बंदूक और हथकड़ियां साथ रखना हमीद खान। बहुत अच्छा। सतीश, सतीश जी। पिताजी मुझे जल्दी है, मैं ड्यूटी पर जा रहा हूं। रात को घर पे खाना खाने जरूर आना, भूलना नहीं। अच्छा पिताजी। कोई पुलिस वाला ना हो। अफसल, कितना माल भरा गया है किश्ती में और कितना वक्त लगेगा अभी? यही कोई आधा घंटा और, वो देखिए। नहीं नहीं, पुलिस वाला नहीं, कोई राहगीर है, उसकी मोटरसाइकिल बिगड़ गई है शायद। कुछ भी हो, चलो जल्दी सारा माल लदवा कर निकाल दे किश्ती यहां से। अभी तक हमारी पुलिस वैन क्यों नहीं आई? कहीं ये किश्ती निकल ना जाए, इसे किसी न किसी तरह रोकना चाहिए। हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, मुफ्ती मजदूरी लोगे क्या? माल भर रहे हैं, मजदूर बने हैं,
इतनी देर में तो 5 किश्तियां भर डालें ये तोहफा। अच्छा अच्छा आओ तुम भी। क्या मिलेगा? जो सबको मिलता है 5 रुपए। 5 रुपए चल लो अभी लो। माफ कर। ए, जल्दी करो। अरे क्या हुए वो तेरे 2 हाथ? तुझे 4 हाथ चाहिए? 4 गड़बड़ कहीं का। उठाओ उन गोठों को। जासूस नजर आता है, उसके यहां होने में खतरा है। खत्म कर दो उसे और किश्ती रवाना कर दो फौरन। बाकी माल रहने दो। मामूली से आदमी ने इतने सारे लोगों के दांत खट्टे कर दिए, शर्म की बात है। क्या है रामू? वो देखिए। ओह पुलिस वाली, अब क्या होगा? उधर पुलिस, इधर जासूस। बस अब एक ही तरकीब है जासूस को फांसने की। तुम दोनों मुझे पकड़कर घसीटना शुरू कर देना, मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगी। जैसे ही वो जासूस मेरी मदद को आए, तुम पुलिस पहुंचने से पहले किश्ती निकाल ले जाना, समझे? और पुलिस के हाथ कोई ना आने पाए, खबरदार। आओ, कोई आओ, मुझे बचाओ, बचाओ। उठाओ लंगर, छोड़ दो किश्ती। जैसे हुआ है उस पर टूट पड़ना। नहीं, पट्टी की कोई जरूरत नहीं। किश्ती पर कब्जा करके पहरा बैठा दिया गया है। वो बदमाश हाथ नहीं आया अभी तक, अपने आदमी तलाश में है। तुम कौन हो? एक परदेसी। नाम क्या है तुम्हारा? मोहिनी, बदनसीब, कमबख्त, कर्मोजली मोहिनी। मैं तुम्हारी राम कहानी नहीं सुनना चाहता, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब देती जाओ।
बंबई में कब से हो? 4 महीनों से। कहाँ रहती हो? बंबई के मेनका संगीत स्कूल में। वहां से यहाँ उन बदमाशों के साथ माल भरी किश्ती के पास? हाँ, मुझे पकड़कर वो बदमाश अपने साथ उसे किश्ती में ले जाना चाहते थे, ना जाने कहाँ, किस लिए। मगर तुम उन बदमाशों के फंदे में कैसे आ गई? नौकरी के लालच से। अब तक कैसे गुजर करती रही हो? उसी संगीत स्कूल में काम करती हूँ। फिर दूसरी नौकरी का लालच क्यों किया? जो कुछ स्कूल से मिलता है उससे गुजारा नहीं होता। चलो बैठो लॉरी में। चलो हमारा वक्त जाया ना करो। हामिद खान, कपड़े की गांठ लॉरी में साथ ले लो। जी बहुत अच्छा। गाड़ी रोको। यहीं रहती हो ना? जी हाँ, वहां सामने संगीत स्कूल में। चलो उतरो उतरो। जाओ जाके सो जाओ चुपके से। देखो तुम्हारा यही एक ही ठिकाना है ना? जी हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ड्राइवर चलाओ। आपको कोई शक है उस लड़की पर? तुम ही बताओ। मेरे ख्याल में तो वो लड़की बिल्कुल बेकसूर। मेरा भी यही विश्वास है कि वो निर्दोष है बेचारी। ड्राइवर मुझे पिताजी के यहाँ जाना है। हमीद खान, ये कपड़े की गांठ दफ्तर में रखवा देना संभाल कर। कल सुबह इसे खोलकर देखेंगे और अपराधियों का खोज लगाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद। नमस्ते जी। हेलो हरीश भैया। ओ सतीश भैया। हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे बेटे को? मैं जानता हूँ, ये उसी मोटरसाइकिल की करतूत है जिस पर हवा से बातें करते हुए ड्यूटी पर चले थे कोतवाल साहब। भाड़ में जाए ऐसी नौकरी, अपना अच्छा भला घर छोड़कर पुलिस क्वार्टर में रहते हो। महीनों गुजर जाते हैं उस पर भी अपने माँ बाप को शक्ल नहीं दिखाते। वहाँ हम सफेद पोष लोग ये लफंगा तुम क्या जाने। मैं फिर कहता हूँ के लात मारो ऐसी नौकरी पर और कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। पिताजी, अपने देश की हर नौकरी अच्छी है, पर मैं नौकरी की गरज से नौकरी नहीं कर रहा बल्कि देश सेवा के लिए। हाँ हाँ। अब हमारे आजाद मुल्क को ऐसे सेवकों की जरूरत है जो अफसर बनकर नहीं दास बनकर जनता की सेवा कर सके। क्यों हरीश? जी हाँ, जनता की सबसे बड़ी सेवा तो ये हो रही है कि जगह जगह काला बाजार खुल गया है। ये देखो, माताजी बड़ी भक्ति से झंडा खरीद लाई है 7 रुपए का, इतना सा, और रंग फीका पड़ जाएगा एक ही छींटे से। और पिताजी ने चावल खरीदे हैं 5 रुपए के एक सेर। अंधेर है अंधेर, 4 मुट्ठी चावल और 5 रुपए दाम, उस पर भी तुम सरकारी अफसरों की आंखें बंद हैं।
अकेले हम ही को क्यों दोष देते हो? पिताजी ने क्यों ज्यादा दाम दे दिए? तुम लोग ज्यादा दाम देना बंद कर दो तो फिर देखो, जब कोई खरीदार न रहेगा, काला बाजार न रहेगा। खरीदार बेचारा जरूरत का मारा और कर ही कह सकता है। सरकार तो है ही बेकार। बेकार क्यों? हम तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हैं। तुम हमसे कुछ कहो भी। हम क्यों कुछ कहे किसी से, बल्कि लोगों को लाखों रुपए बटोरते देखकर मेरा अपना जी चाहता है कि मैं भी काला धंधा शुरू कर दूं। जरा कर तो देखो, सबसे पहले मैं ही हूंगा तुम्हें हथकड़ी लगाने वाला, चाहे ये देखकर पिताजी और माताजी का कलेजा ही क्यों न दहल जाए। मेरा कलेजा क्यों दहलने लगा? मुझे आप चिढ़े इन बातों से। वो रहे चावल जो तुम्हारे पिता खरीद लाए हैं काली कीमत देकर, मानो महंगे दामों पाप मोल लाए हैं। मैं ऐसे चावल पकाकर अपना घर अपवित्र न करूंगी। जय देवी, अन्नपूर्णा देवी की जय। आओ आ बेटे। आओ देखो, इस शुभ तिरंगे की छाया में कितना आनंद होता है। भगवान करे इसकी बरकत से हम लोगों को भी अच्छे दिन देखने नसीब हो। भारत माता की जय। जय हिंद। हरीश भैया, जरा वो जय हिंद का फौजी गीत सुना दो। अरे मुंह बनाए क्यों खड़ा है? अच्छा अच्छा, हथकड़ी नहीं लगाऊंगा, चल सुना दे वो गीत। जय हिंद कहो, जय हिंद कहो, जय हिंद कहो। बस बस रहने दे, ऐसे फौजी गीत जनाना तौर से नहीं, मर्दाना ठौर से गाए जाते हैं। ला मुझे दे। जय हिंद कहो, जय हिंद, जय हिंद कहो, जय हिंद। देखो अपने तिरंगे में आन अपनी, देखो रंगी निशान में शान अपनी, दे दो आन पे शान पे जान अपनी। जय हिंद कहो, जय हिंद कहो, जय हिंद, जय हिंद कहो, जय हिंद। हमारा दाता है ये हिंद, हमारी माता है, वीरों से अपना नाता है। जय हिंद कहो, जय हिंद कहो, जय हिंद, जय हिंद कहो, जय हिंद। विक्रम की जय, जय अकबर, जय महाबली, जय वीर शिवाजी छत्रपति। जय हिंद कहो, जय हिंद, जय हिंद कहो, जय हिंद। जय लक्ष्मी रानी झांसी की, जय सुभाष की, जय क्रांति की, और जय हो बापू गांधी की। जय हो बापू गांधी की। जय हिंद कहो, बॉटल लाना जरा। हमीद खान, अभी तक हमारी कामयाबी अधूरी है। कल वो बदमाश हाथ से निकल गए, आज कपड़ा बेचने वालों का खोज मिल जाए तो अच्छा, वरना बड़ी फत होगी। अपना फर्ज तो कोशिश करना है सतीश। तैयार हो जाओ, मिल गया, मिल वालों का नाम मिल गया। ये देखो, ताज महल मिल्स लिमिटेड।
बिहारी लाल, ट्रांसमीटर चलाओ। शुक्रिया अल्लाह के हम सब बच निकले कल रात, मगर खाक के ढेर में छुप कर रात काटने से तो पुलिस के हाथ लगना ही अच्छा। बीवी, खुदाई पाक की कसम, हम लोग ये सब कुछ आपकी वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना इस बेईमानी और चोरी के पेशे से चक्की पीसना बेहतर। मैं तो एक दिन खामोश। अफसर, तुम दोनों के मुंह से बुजदिली की बू आती है। मुझे ऐसी बेहुदा बातें क्यों सुनाते हो? क्या मैं ऐसे काम में हाथ डालकर खुश हूँ जिसके लिए अपनी शर्म छुपाने को मुझे काला चश्मा लगाना पड़ता है? तुम सिर्फ बेईमानी करते हो, मैं बेईमानी भी करती हूँ और अपने मुल्क से गद्दारी भी। आखिर क्यों? नहीं नहीं, उस बात का ख्याल आते ही मेरे दिलो दिमाग पर धचका लगता है। मैंने जिस काम का बीड़ा उठाया है उसे जान देकर भी पूरा करूंगी। हेलो हेलो लाल टोपी, हेलो हेलो लाल टोपी, ओवर। हेलो हेलो, काला चश्मा, काला चश्मा। अफसल, कपड़े का खुफिया लफ्ज क्या है? कपड़े का खुफिया लफ्ज है नौकर, नौकर। हेलो हेलो, वो नौकर बेचारा कल रात रवाना होने को था कि चंद लुटेरे उस पर अचानक टूट पड़े और वो गरीब मारा गया। ओवर। मारा गया? अफसोस। खैर, आप कोई दूसरा नौकर भेज दो जल्दी, वैसा ही मिल जाएगा ना? ओवर। हाँ हाँ, मिल जाएगा, अपने उसी दोस्त की मार्फत। 1,00,000 रुपया। रुपए का खुफिया लफ्ज है बादाम, बादाम। हेलो हेलो, 1,00,000 बादाम और भेज दो जल्दी, हफ्ते के अंदर अंदर पहुंच जाए। ओवर। हाँ हाँ, कोई फिक्र ना करो। ओवर। बाय बाय लाल टोपी। अच्छा काला चश्मा। अभी जाकर मैं सेठ से नए माल की बात पक्की कर लेती हूँ। मगर वो रुपए लिए बगैर बात भी करेगा? लेकिन मैं उसे बयाना दे ही दूंगी। मेरे पास 10,000 रुपए रखे हैं उसके लिए, अभी दे आती हूँ जाके। अच्छा, मुझे पहचान लिया तुमने? क्यों नहीं, पुलिस वालों को पहचानना क्या मुश्किल है? और आप तो वो संगीत स्कूल यही है क्या? हाँ हाँ, आइए। कल रात जो आपने मेरी जान बचाई उसका एहसान कभी ना भूलूंगी। मुझे अब मालूम हुआ कि पुलिस वाले भी हमदर्द हो सकते हैं। क्यों नहीं, पुलिस वाले भी आखिर इंसान हैं, उनके भी दिल होता है और मेरा दिल तो बहुत बड़ा है। जरा संभाल के रखना, कहीं कोई चुरा ना ले जाए। वाह, दिल भी कोई कपड़े की गांठ है कि चोर चुरा ले जाए? अजी, कपड़े की गांठ का चोर पकड़ना तो आसान है, मगर दिल का चोर बड़ी मुश्किल से हाथ आता है। तुम्हारे स्कूल की मालिक कहाँ है? बुलाओ उन्हें, मुझे कुछ पूछना है उनसे। जी, बुलाती हूँ। वीना देवी, जरा बाहर आइए। वीना दीदी, आप हैं खुफिया पुलिस के अफसर जिन्होंने कल रात मेरी जान बचाई। नमस्ते। नमस्ते। कब से है ये स्कूल? 4 साल से। कितनी लड़कियां आती हैं यहाँ शिक्षा लेने? दिन भर में 15-20। क्या क्या सिखाया जाता है? नाच और गाना। वीना देवी, जरा अपने यहाँ के काम का नमूना दिखा दे इन्हें। हाँ हाँ, बड़ी खुशी से। बैठिए। Go!
गाना जानती हो ना? कमाल है कमाल। ओहो बहुत देर हो गई, अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। ओहो माफ कीजिए। कैसा बांका जवान है। क्यों नहीं, एक बहादुर औरत ही पुलिस वाले से प्रेम कर सकती है। वीना देवी, किस्मत ने मुझे इस लायक नहीं रखा कि मैं किसी से मोहब्बत कर सकूं। लीजिए सेठ, आपने ताजमहल मिल के मालिक राय साहब को आज बचा लिया, नहीं तो ताजमहल का मुकुट जेल की टोपी से बदल जाता।
न जाने उस सब इंस्पेक्टर को मुझसे क्या दुश्मनी थी कि हाथों के पीछे पड़ गया कमबख्त। कौन है वो सब इंस्पेक्टर? अजी कोई सतीश है सतीश, भला वो कल का छोकरा हमसे क्या बहस करता है। हमने उल्टा साबित कर दिखाया कि अपने ताजमहल मिल के मालिक राय साहब बिल्कुल बेकसूर है, और वो माल मिल के मैनेजर और दरबानों की साजिश से चोरी हुआ। अच्छा, अब आप दोनों तशरीफ ले जाइए, मुझे एक व्यापारी का इंतजार है। व्यापारी का या किसी व्यापारिन का? सेठ वो रंगीले आदमी। अजी इनके लिए तो ये मशहूर है कि सेठ धनीराम की कमाई अफसरों या अफसराओं ने खाई। मोहिनी देवी माफ कीजिए, हमें ऐसे खरीदार नहीं चाहिए जो हमारे व्यापारियों को जेलखाने भिजवाएं। सेठ जी आप क्यों तलमला रहे हैं? नुकसान हुआ तो मेरा, कैद हुए तो बेचारे मिल के नौकर, आपको क्या घाटा रहा? आपकी तो हर तरह चांदी है। ये लीजिए 10,000 पेश की, मुझे उतना ही माल और चाहिए। क्या कहूं, तुम्हारे आगे बोल नहीं सकता। अच्छा शुक्रिया, बाकी रुपया 10 दिन के अंदर अंदर दे दूंगी, मुझे माल मिल जाए ठीक पहली तारीख को, याद रहे। नमस्ते। मेहता जी जरा अंदर आइए। मेहता जी आज 10,000 रुपए आए। अच्छा, कौन सी कंपनी की हिसाब में दर्ज करने हैं? ये बात वकील साहब से पूछना। हाँ हाँ, उनसे पूछना ही चाहिए। किसी से कहना नहीं, चुप साध लेना, समझे जी। और मेहता जी ये लीजिए, इस थैली में 250 रुपए है। ये किस हिसाब में डालने हैं सेठ? हिसाब में नहीं, अपनी जेब में डालना। क्या सोचते हो मेहता? सेठ जी इन रुपयों से तुम्हारी जरूरतें पूरी होंगी, बच्चों के कपड़े, घर का सामान, बीवी का जेवर, सब कुछ ले सकोगे। और अभी ऐसी कई थैलियां तुम्हारे हिस्से में आएंगी भगवान की दया से। नमस्ते जगदीश जी। बाजार से नहीं, अपने दफ्तर से लाया हूं। रुपए हैं रुपए। कैसे रुपए? तनख्वाह थोड़ी मिली होगी आज, अभी पहली तारीख को तो 15 दिन पड़े हैं। और तनख्वाह नहीं, सेठ जी ने इनाम दिया है, उन्हें किसी काम में बड़ा फायदा हुआ है इसलिए। सेठ जी को 20 बरस में क्या आपके भी फायदा हुआ है? आज ये नई बात क्या हुई? अब तुम्हें कोई कैसे समझाए? मैं सब कुछ समझ गई। क्या समझ गई तू? मैंने किसी की चोरी की है? बेसमझ, बेअक्ल, मूर्ख। लो अब ये रोने बैठ गई, भला इसमें मेरा क्या दोष, मैंने क्या बुराई की? अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो भगवान मेरा बुरा करे। बुरा हो तुम्हारे दुश्मनों का, बुरा हो इन गंदे काले रुपयों का, जिनके आते ही तुम्हारा मिजाज बिगड़ गया। हमारे जीवन में आज पहली बार तुम्हारे मुंह से ऐसे कठोर वचन निकले। भोली बाबी चिंता की कोई बात नहीं, तुझे यूं ही बहम हो रहा है, सब ठीक है। हाँ,
भैया कौन फिल्म देखा है? देखा है, एक तो वाहियात फिल्म की 2 घंटे कैद, उस पर सिनेमा वालों की बेहूदगी। आखिर में जब तक झंडे का गाना खत्म नहीं हुआ कमबख्तों ने दरवाजे नहीं खोले। कहते हैं ये कोई नया कानून है सरकार का। बात तो ठीक है। ठीक है मिट्टी, आज हमें सिनेमा घर में बंद किया, कल हमें अपने घरों से बाहर निकलने को रोकेंगे। हम कोई कैदी हैं? किसी के गुलाम हैं क्या? उस दिन तुम ही तो कह रहे थे लोग अपने झंडे का आदर नहीं करते, फिल्म खत्म होते ही घर भागने की करते हैं। और तुमने ये भी कहा था कि इस बारे में सरकार को कोई कानून जारी करना चाहिए। हाँ हाँ मैंने कहा था, जरूर कहा। और अब सरकार ने कानून बना डाला तो चिल्लाते क्यों हो? चिल्लाऊंगा, जरूर चिल्लाऊंगा, मुझे ये कानून पसंद नहीं। वाह, तुम्हें ये भी पसंद नहीं वो भी पसंद नहीं? हाँ हाँ मुझे ये भी पसंद नहीं वो भी पसंद नहीं, सरकार की कोई बात पसंद नहीं। सच पूछो तो मुझे सरकार ही पसंद नहीं। पिताजी सुना आपने? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। हरीश तुझे एक ना एक दिन। मुझे एक ना एक दिन? पिताजी क्या होगा? पागल खाने जाना होगा और क्या। पागल खाने जाना होगा? हेलो हेलो, मैं ट्रांसमीटर 1 नंबर 9 से बोल रहा हूँ जनाब। हेलो हेलो, मैं ट्रांसमीटर 1 नंबर 9 से बोल रहा हूँ, ओवर। हेलो हेलो, डिप्टी कमिश्नर हियर, क्या बात है, ओवर। जनाब अभी तक कोई खोज नहीं मिला, रात के 9 बजे तक खबर मिलने की उम्मीद है, ओवर। ऑलराइट, मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? आइए। सतीश, पिछले कई महीनों में तुमने जिस बहादुरी और दिलेरी से काम किया है उसके सिले में होम मेंबर साहब के मंजूरी से तुम इंस्पेक्टर बना दिए गए हो, मेरी तरफ से मुबारक। जनाब का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अब तुम जा सकते हो, रात को 9 बजे यहाँ हाजिर रहना। काश कि उन बदमाशों का गिरोह हमारे हाथ लग जाए किसी तरह। बहुत दिनों पे दर्शन दिए आज। हाँ कई एक जरूरी कामों में उलझा रहा, आज भी किसी खास वजह से आया हूँ यहाँ। अच्छा तुम मुझसे मिलने नहीं आए? नहीं, एक परेशानी लिए फिरती है मुझे, उन बदमाशों की तलाश। पूरे 15 दिन की कोशिश पर भी उनका कोई पता नहीं चला। आखिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया कि शायद तुम्हारी बातों से कोई सुराग मिल जाए। भला वो लोग तुम्हें पहले पहल कहाँ मिले थे, किसकी जगह ले गए थे, क्या ये सब कुछ बता सकती हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, जिस दिन चाहो, कल परसों। नहीं आज ही बल्कि अभी। आज ही अभी? हाँ चलो, मुझे दिन भर छुट्टी है आज रात के 9 बजे तक। रात के 9 बजे तक? हाँ। अच्छा तो आप जरा बैठिए, मैं अभी आई तैयार होकर। मेरा इस वक्त तुम्हारे साथ जाना मुमकिन नहीं, तुम खुद ही सब कुछ कर लेना। दिन भर गांठों की निगरानी करना, शाम को अंधेरा होते ही माल महिम के सागर किनारे ले जाना और किश्ती में भरकर किसी ना किसी तरह 9 बजे से पहले रवाना कर देना, और मेरा इंतजार करना 10:30 बजे तक। माफ कीजिए आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, चलो अब चले यहाँ से, रास्ते में बातें करेंगे। वो तुम्हें यही मिला था? हाँ इसी जगह। क्या क्या बातें हुई? उसने मेरे साथ पहले की तरह हमदर्दी जाहिर की, फिर मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपने बच्चों को गाना सिखाने की नौकरी देना चाहता हूँ, आओ अभी मेरे साथ मेरे घर चलो।
मैं उसकी झूठी हमदर्दी के भर्रे में आ गई और उस पर विश्वास करके मोटर में उसके साथ चली गई। आगे खाना के सागर किनारे पर जो कुछ हुआ वो तुम्हें मालूम ही है। कितनी शर्म की बात है कि हमारे मुल्क में अभी तक ऐसे बच्चलन और गिरे हुए लोग मौजूद हैं जो अपने देश की देवियों की इज्जत करना नहीं जानते। दो चाय दो। देश की देवी लीजिए मालिक, वो ग्राहक दो ठंडे लेमन मांग रहे हैं, अपने पास तो एक ही है। तो बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। ये देख इस तरह होते एक से दो ले जा। जी दुकानदार महाशय। हाँ जी। जरा से लेमन के बदले इतना कीमती पानी क्यों मुफ्त में दे रहे हो? सही मानकर इसका क्या देख रही हो मोहिनी? तुम भी देखो, जरा सागर की तरंग देखो, लहकती हुई लहरें किनारे से मिलने के लिए किस बेताबी से उमड़ी चली आती है और किनारे से मिलते ही परेशान हो जाती है इस डर के मारे कि कहीं किनारे से जुदा ना हो जाए। इसी आपस की हेल मेल ही से इनकी जिंदगी है। जब तुम्हें लहरों की जिंदगी का इतना ख्याल है तो कभी अपनी जिंदगी का भी ख्याल किया होता? मेरी जिंदगी इन लहरों में रहने वाली उस नन्ही मछली की सी है जिसे सागर में बड़ी मछलियों का डर लगा रहता है और किनारे पर मछलियां पकड़ने वालों का। चलो आप जरा बाहर चलें। मोहिनी तुम उदास हो। तुम्हारे इन आंसुओं में कोई बात छुपी है, अपने आंसुओं का भेद बता दो मुझे। दुनिया की जहरीली हवा में जिंदा रहने के लिए आंसुओं का नमक चखना बहुत जरूरी है। काश कि ये नमकीन अमृत सागर के खारे जल में मिल जाए और मेरी तबीयत का तूफान समुन्द्र के जोश में बेहोश हो जाए। मोहिनी कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें हुआ क्या है? नादान तुझे हुआ क्या है? Yeah.
बेवफा मोहिनी, तुमने अपने साथ मुझे भी बेवकूफ कर दिया। अरे 9 बज गए, खत्म हो गया, चलो चले। माल रवाना हो गया, किश्ती निकल गई। हाँ अच्छी तरह से। कितनी देर हुई? काफी देर हुई, 9 बजे से पहले। अब तक तो कश्ती से माल लेकर जहाज भी आगे निकल गया होगा। बीबी हमें अभी एक और काम करना है, वरना यहाँ से माल भेजने में तकलीफ होगी आइंदा। वो क्या? जिस सब इंस्पेक्टर पुलिस ने हम लोगों की इतनी मदद की है उसको कुछ। हाँ ये देखो घड़ी, उसी के लिए लाई हूँ। कहाँ है वो? चलो। हेलो हेलो, मैं इनके सागर किनारे से बोल रहा हूँ। चोरी का कोई सुराग नहीं मिला अभी तक। सतीश तुमने गजब कर दिया, 10:30 बज गए। डिप्टी कमिश्नर साहब ने 9:30 बजे तक तुम्हारा इंतजार किया, आखिर उन्हें खुद यहाँ आना पड़ा। तुम कहाँ थे सतीश? मेरे कहने पर भी याद न रहा कि तुम्हें 9 बजे पहुंचना था दीपक महल। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, मुझे हरगिज ये उम्मीद न थी कि तुम जैसा जिम्मेदार अफसर ऐसी बेपरवाही करेगा। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? हुक्म की कोई जरूरत नहीं, वो खबर गलत निकली। हमने यहाँ का चप्पा चप्पा तलाश कर डाला, कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अगर हुक्म हो तो मैं तलाश जारी रखूं। अब आए हैं ये तलाश जारी रखने। हेलो हेलो, मैं माहिम के सागर किनारे से बोल रहा हूँ। चोरों का कोई सुराग नहीं मिला, हम लोग वापस हेडक्वार्टर आ रहे हैं। एजी, तुमसे अभी अभी बातें करके जो औरत मोटर में गई है वो कौन थी? तुम कौन हो पूछने वाले? मैं हूँ खुफिया पुलिस का अफसर, इंस्पेक्टर सतीश। वो औरत कौन थी? मैं नहीं जानता वो कौन थी, यहाँ सैकड़ों लोग आते जाते हैं दिन रात, हम किस चीज का पता रखें। हेलो हेलो, काला चश्मा, नौकर अच्छी तरह से रवाना कर दिया है, ओवर। शाबाश, और सुनो, हमारे यहाँ एक खास जलसे के लिए आतिशबाजी की सख्त जरूरत है, ओवर। आतिशबाजी? बंदूकें और गोलियां, ऐसे मुश्किल और नाजुक काम और मुझसे न होंगे, ओवर। घबराओ नहीं, तुम्हें इस काम का बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, ओवर। हेलो 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 हेलो, ओवर। बीबी, अच्छा ओवर। शाबाश, अब की बार हम बादाम नहीं भेज सकेंगे, सोना भेजेंगे। 5 लाख की आतिशबाजी चाहिए, इंतजाम कर सकोगे? ओवर। क्यों नहीं,
इस कमबख्त मुल्क में रुपए से सब कुछ खरीदा जा सकता है। सोना कब भेजोगे? कल ही, पहले हवाई जहाज से। कस्टम से खुद जाकर बचा लाना। और देखो बढ़ता ही जाएगा क्या चाला। अरे कहाँ ले जाओ गरीब खाओ आरी कहाँ की मोटरसाइकिल गाड़ी रोको। सतीश सतीश
दैनिक लोकमान, खुफिया ट्रांसमीटर हाउस पर पुलिस का हमला, खुफिया पुलिस इंस्पेक्टर सतीश घायल, एक जासूस मारा गया। शुक्र है ऑपरेशन कामयाब हुआ और तुम्हारी जान बच गई। सतीश, मुझे अफसोस है कि कल रात मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आया। पुलिस को तुम जैसे दिलशेर अफसरों की बहुत जरूरत है। मगर इस तारीफ का असली हकदार हमीद खान है, जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई और बहुत से बदमाश गिरफ्तार किए। अच्छी बात है, तुम्हारी सिफारिश पर गौर किया जाएगा। चुपचाप आराम से लेटे रहना, मैं दफ्तर पहुंचती तुम्हारे पिता को खबर भेज दूंगा। नहीं जनाब, उन्हें सुबह ही अखबारों से पता चल गया था। वो आपके तशरीफ लाने से पहले मुझे देख गए हैं। ऑलराइट, मैं कल फिर आऊंगा तुम्हें देखने। जय हिंद। जय हिंद। मोहिनी, तुम? हाँ मैं। अखबार में तुम्हारे घायल होने की खबर पढ़कर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ था, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी जान बच गई। शुक्र है परमात्मा का, तुम एक वीर सिपाही, मनचले नौजवान और सच्चे देश सेवक हो। मोहिनी, दो चार दिन की जान पहचान से मेरी इतनी दिलजोई करती हो, तुम कितनी अच्छी हो। मैं अच्छी नहीं, बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ। ऐसा क्यों कहती हो? इसलिए कि मुझे भागिन के बुरे सितारों का साया पड़ गया है तुम पर। जी में आता है कि अपनी बदनसीबी साथ लेकर तुमसे कहीं दूर चली जाऊं। ऐसा न कहो मोहिनी, ये वहम दिल से दूर कर दो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी सच्ची हमदर्दी से मेरे जख्म जल्दी अच्छे हो जाएंगे। तुम्हें बोलने से तकलीफ होती है ना? चुपचाप लेटे रहो और मुझसे इशारों में बातें किए जाओ। सर सहला दूं, पांव दबा दूं? रेडियो सुनोगे? मंगनी और पट ब्याह कर लेना, बड़ी अच्छी जोड़ी बनेगी। ये तो बेशक बड़े अच्छे हैं, मगर मैं इनके लायक नहीं। क्यों, तुम में किस बात की कमी है? सुंदर और शरीफ हो, पढ़ी लिखी, भोली भाली और नेक मालूम होती हो। अच्छा बहन, नमस्ते।
दोस्त। मंगेतर पत्नी नजर आती हैं। आइए मास्टर जी, मैं तैयार हूँ। मोहिनी देवी, मुझे इनके साथ कुछ सामान खरीदने जाना है। थोड़े दिनों में अपने खेल की आखिरी तालीम है, याद है ना? अच्छी तरह। बीबी, दौलत, मेरी तबीयत बहुत सुस्त है आज। मगर आज तो हवाई जहाज से सोना आने वाला है बीबी। अफजल भी सुबह से वहीं गया हुआ है। ऐसा नाजुक और खतरनाक काम आपके बगैर कैसे होगा? चलो ये काम भी निपटा लें चलकर। फिर हवाई स्टेशन से मुझे सेठ जी के दफ्तर भी जाना होगा। एक हजार बंदूकें,
यह तो सचमुच आग से खेलने वाली बात है। इसके लिए तो किसी फौजी गोदाम में सुरंग लगानी पड़ेगी। इतना मुश्किल काम, पहाड़ मालूम होता है पहाड़। उस पहाड़ को गिराने के लिए ये जो है क्या सोना? हाँ, इससे तो लोहा भी पिघल जाए और सोना भी ऐसा जिससे आंखें चकाचौंध हो जाए। वाकई खरा सोना है, असली कुंदन। मेहता जी, जरा बारूद भाई हथियार वालों को बुलवा लेना जल्दी से। ये लो मोहिनी देवी, मेरी तरफ से नाचीज नजराना। मेरे लिए? हाँ, तुम ही ने कहा था ना अभी, सोने से लोहा भी पिघल जाता है, इससे शायद तुम्हारा कड़ा दिल भी नरम हो जाए। मेरा दिल तो लोहे से भी ज्यादा सख्त है, हीरा है हीरा। आग में डालो तो कीमत कम ना हो, मिट्टी में मिला दो तो चमक में फर्क ना आए। अच्छा, जब सारा इंतजाम हो जाए तो मुझे खबर कर देना, मैं बाकी सोना तुम्हारे हवाले कर दूंगी। नमस्ते। कहो सेठ। आओ बारूद भाई, कैसे याद किया आज? मैं पुराने दोस्तों को कब भूलता हूँ? तुम शायद भूल गए होगे, मैंने तुम्हारे दोस्त जान बार्बर को फौजी गोदाम में नौकरी दिलवाई थी गए साहब। मुझे खूब याद है सेठ, और ये भी याद है कि तुमने उस काम के मुझसे 5,000 लिए थे। ऐसी बातें मुझे कम याद रहा करती। सुनो, अगर तुम्हारे दोस्त जॉन बार्बर की मदद से अपना एक काम हो जाए। अगर ये काम हो जाए तो बस हम सब के लिए सोना ही सोना है। मगर सेठ, कहीं सोने के बदले रोना ना पड़े सबको। सुनो भी, मैंने हिसाब लगा लिया है, पूरे 1,00,000 का फायदा है इसमें सिर्फ तुम्हीं को। अच्छा सेठ, कोशिश कर देखता हूं, बाकी अल्लाह मालिक है। मेहता जी, जरा अंदर आइए। मेहता जी। जी। अरे वाह मेहता, अब तो तुम साहब बन गए। मेहता साहब, 300 तोला सोना आया है आज, वकील साहब से पूछ के दर्ज कर लेना। अब उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद सब कुछ ठीक कर लूंगा। अच्छा, मगर सेठ, मेरे लिए? तुम्हारे लिए? जी हाँ, मेरे लिए। ये लो। शुक्रिया सेठ। अरे जोखम को रखूंगा कहाँ, इसके लिए तो कोई तिजोरी चाहिए। अपने यहाँ दो एक तिजोरियां फालतू हैं तो सही, पर दफ्तर का माल। क्यों नहीं, दफ्तर का माल तुम्हारा माल है, ले जाओ बेशक अपने घर। ने क्या कहा है? आज का अखबार नहीं पढ़ा तुमने?
अखबारों में लिखने वाले अखबार नहीं पढ़ा करते, और फिर मुझे इतनी फुर्सत कहाँ? मेरा वक्त तो लेक्चरों में या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने में निकल जाता है। क्या कहा है फौजी वजीर ने? सुनो, हर हिंदुस्तानी को 18 बरस से लेकर 45 बरस की उम्र तक फौजी तालीम हासिल करनी चाहिए। भैया, अब तुम्हें भी फौज में भर्ती होना पड़ेगा। भर्ती होना पड़ेगा? देखा, अव्वल तो ये लोग सोए रहेंगे, और अगर उस नींद में कभी कुछ बड़बड़ाने लगेंगे तो वो भी गलत सलत। 18 से 45 की उम्र गलत है, 18 से 25 वर्ष तक की फौजी तालीम बहुत काफी है। इसलिए कि तुम आप 25 बरस से ज्यादा उम्र के हो और फौज में भर्ती होने से डरते हो। वाह, मैं क्यों डरने लगा? मेरा मतलब है कि हम 25 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले मर्दों को पेंट पाउडर लगा के और चूड़ियां पहना के घरों में बिठा दिया जाए बच्चे पालने के लिए, और औरतों को सिपाही बनाकर भेज दिया जाए लड़ाई पर। शट अप यू सिली लड़की। भैया, पिताजी सच कहा करते हैं कि एक ना एक दिन। एक ना एक दिन क्या? तुम्हें पागल खाने जाना होगा, और क्या। कौन है अंदर? ये लो शराब पी कर। बाय बाय। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अरे चला उठा दीजिए रे। गुड इवनिंग मिस्टर, गुड नाइट। ये क्या लाए हो? इसे तिजोरी कहते हैं, तिजोरी। सिर्फ तिजोरी ही नहीं, तेरे लिए ये गहने भी लाया हूं। देख, काले रूपों से खरीदी हुई इन काली चीजों को देखना भी पाप है। तेरे ख्याल तो पुरानी पुस्तकों से भी ज्यादा पुराने हैं। अभी तक जमाने के साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए। सभी धनवान होते जा रहे हैं। इसी अपने पड़ोसी को देखो, कल तक रेल के कुलियों का जमादार था, आज ठेकेदार है। ठेकेदार, मालदार, उसके घर का नक्शा ही बदल गया है अब। कभी देखा भी है? हाँ हाँ, रोज देखा करती हूँ। पति पत्नी में झगड़ा रहता है, लड़का शराबी बन गया है, जवान लड़की है तो आधी आधी रात तक बस आगे मुंह न खुलवाओ। काले धन ने काले लक्षण कर दिए हैं घर भर के। मैं ऐसी बातों से अपना घर बर्बाद न होने दूंगी। तुम तो यही चाहोगी कि हम गरीब और मोहताज रहें, रूखा सूखा खाएं। बेशक, गरीबी की रूखी सूखी रोटियां ऐसी अमेरिकी पकवान पराठों से हजार गुना अच्छी है। तुम्हारे लिए होंगे। अब मैं एक नहीं सुनने का, आज से अपनी कहूंगा और अपनी ही कहूंगा। बनाई है मेरे यार ने। वाह, बहुत खूब, मुबारक जान। लो बारूद भाई, ये सोना पेश की। बाकी सोना मिलेगा जब सारे पार्सल रेलवे गोदाम में पहुंच जाएंगे तब। और देखो, पार्सल बड़ी होशियारी और चालाकी से तैयार करवाना, पैकिंग से किसी को गुमान तक न हो कि अंदर क्या है।
कोई चिंता न करो सेठ, पैकिंग की निगरानी पर तो मैं अपने भाई वली जी को बिठाने वाला हूँ। गजब हो गया। नर्स, पढ़ा तुमने? मिलिट्री जिपो से बंदूक के गायब, चोरों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। मुझे फौरन ड्यूटी पर हाजिर होना चाहिए। नर्स, मेरे कपड़े मंगवा दो जल्दी। हाँ, अभी आपके जख्म अच्छे नहीं हुए, इस हालत में आपको अस्पताल छोड़ने की इजाजत नहीं मिल सकती। इजाजत नहीं मिल सकती। कोई नई बात? बड़ी सख्त गर्मी, होम मिनिस्टर साहब बहुत नाराज है। अगर हमारी तलाश कामयाब न हुई तो जान के लाले पड़ जाएंगे सबको, खासकर आपको और मुझे। मिलिट्री डिपो से चोरी गई हुई फौजी बंदूकों और कारतूसों के सिलसिले में पुलिस धड़ाधड़ तलाशियां ले रही है। बड़े जोरों से दौड़ धूप जारी है, लेकिन अभी तक चोरों का कोई पता नहीं, चोरी का कोई सुराग नहीं मिला। ये सारे पार्सल हमारे हैं, देख लीजिए। पहले मुझे ये देखना है कि तुम लोग मेरे लिए क्या करते हो। अच्छा अच्छा, उधर ही तरह जा रहा हूँ। शाबाश सतीश, अच्छे हो ड्यूटी पर हाजिर हुए। मेरे लिए क्या हुक्म है और क्या हुक्म हो सकता है इन दिनों? फौजी बंदूक और उनके चोरों की तलाश, तलाश अथो फिर तलाश। लो, खुश हो जाओ, सारे पार्सल रेल पर पहुंचा दिए हैं हिफाजत से। शाबाश। अरे पुलिस वैन हमारे घर के सामने किस लिए? देखो भाई, वो है इंस्पेक्टर सतीश। तो यही है वो शैतान, कहीं हमारी तलाशी लेने आया हो। चल घू चला घू आई बला टाल तू। कहीं कोई ऐसी चीज वहां न रह गई हो जिससे पुलिस को पता चल जाए कि बंदूकों के पार्सल हमारे यहाँ तैयार हुए थे। जरूर, कल सुबह पहला काम यही करूंगा। अच्छा, अब मैं सेठ से बाकी रकम वसूल कर लूं। क्यों सेठ? ओह, तुम, मुझे हवा से भी डर लगता है इन दिनों। हो क्या गया है सेठ? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सिर में दर्द, दिल में हॉल, दिमाग में चक्कर, कलेजे में कभी जिगर में जलन, अभी कुछ रह गया होने में। मगर इसका सबब? सबब दौलत, सेहत की कुर्बानी देकर काली दौलत, ब्लैक मनी जमा करने का शौक। हम सब एक ही नाव में सवार हैं सेठ, तुम अपनी मुसीबत ले बैठे, मेरी भी तो सुनो। अभी अभी मेरे घर के सामने एक पुलिस मुटरा खड़ी हुई है। जानते हो उसमें कौन था? कौन था? वही शैतान सतीश। सतीश? पुलिस, पुलिस, रेड, रेड, छापा, छापा। मैंने, मैंने, मैंने कुछ नहीं किया। मोहिनी देवी, लाइए ये बकाया सोना। लो भाई, तुम्हारा बकाया है साहब साहब। देखो मोहिनी देवी, रेल तक तुम्हारा माल पहुंचा दिया है हमने।
आगे तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी। आज रात के 11:30 बजे वाली पार्सल ट्रेन से 2 वैगन बुक करा लिए हैं। अब उन वैगनों में माल भरवाना और उन्हें यहाँ से चलता करना तुम्हारा अपना काम है, मगर पुलिस के गुर्गों से बचना और खासकर उस इंस्पेक्टर सतीश से। तुम उसकी फिक्र ना करो। तो क्या उसे जानती हो तुम? नमस्ते। क्या हुआ से? ये उठाकर उधर ले जाओ। अपने प्रोग्राम की तैयारी जारी है ना? हाँ मास्टर जी, गाना भी ठा रहे हैं, लड़कियां पोशाक पहन रही हैं। क्यों सतीश आएंगे क्या? कौन जाने, वादा तो किया है आने का। मोहिनी तुम तो दिल के साथ धीरज भी गवा बैठी हो। वो जरूर आएंगे और खुश होंगे देखकर हमारे पहले खेल की आखिरी ताली। मेरे पापी जीवन की आखिरी करतूत। आ गए तुम? मैं बहुत खुश हूँ। कहो क्या बात है? आज हमारे यहाँ एक खास नृत्य नाटक की तालीम है। बस मैं समझा शायद वो बदमाश फिर आ गया तुम्हें सताने। बदमाश बदमाश सब भूल जाओ इस वक्त और मजे से बैठ के हमारा नाच देखो। ऐसा नाच कभी देखा ना होगा तुमने। अफसर जी, इंस्पेक्टर सतीश यहाँ आ गए। अब तुम्हारे लिए रास्ता साफ है। जल्दी से रेलवे स्टेशन पर जाकर बंदूकों वाले पार्सल रवाना करा दो। बहुत अच्छे। इस वक्त हम आपको जो नृत्य नाटक दिखाने वाले हैं, उस नृत्य नाटक के बारे में हम आपको कुछ भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस कला को समझाने की जरूरत पड़े वो कला नहीं बला है। असली कला वो है जिसे देखने वाले अपने आप समझ जाएं और उसका आनंद उठाएं। Thank you.
अखलाक बिगड़ बैठा है। वैगन भेजने से साफ इनकार करता है। अब आप ही चलो तो बात बने। मगर मैं तो यहाँ से हिल नहीं सकती। वो देखो ना सामने इंस्पेक्टर सतीश, मेरे यहाँ न रहने से उसे शक होगा। 5 मिनट के बाद हमारा दूसरा नृत्य शुरू होगा। जरा ठहरो, मैं अभी आया। मोहिनी मुझे जाना है एक जरूरी काम के लिए, मैं ज्यादा नहीं ठहर सकता। अच्छा, तुम्हारी खुशी। चलो अफसर, अब मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तुम लोगों का काम एक जंजाल है जंजाल। कुछ लो तो मुसीबत, न लो तो मुसीबत। अच्छा, इन वैगनों में तुम्हारा माल भरा है, अब इन्हें मैं इसी गाड़ी से रवाना किए देता हूँ। वो देखो, मैं खुफिया पुलिस का इंस्पेक्टर सतीश हूँ। हमें खबर मिली है कि बंदूकों कुछ पार्सल गैर इलाके में भेजने की गरज से यहाँ आए हैं। तुम्हें कुछ पता है उनका? नहीं, ऐसे कोई पार्सल यहाँ नहीं है। हैं, जरूर हैं। तो खुद ही देख लीजिए, आपके सामने सारा यार्ड खुला पड़ा है। जरा इस पर नजर रखना। अरे भाई छोड़ो ना, तुम भी ले लो अपना हिस्सा। सभी तुम्हारी तरह रिश्वत खाने वाले नहीं होते, अपने पास ही रखो ये बीमारी। ये लो, इंस्पेक्टर साहब भी आ गए। जनाब, ये क्लर्क नोटों का गट्ठा दराज से निकालकर अपनी जेब में डालने को था। अभी सच सच बताओ, ये रुपए तुमने किससे लिए? एक औरत से। औरत से? उसने किस बात के लिए रिश्वत दी तुम्हें? पापा पापा, पार्सल गाड़ी के साथ 2 वैन रवाना करने के लिए। वो पार्सल गाड़ी इस वक्त कहाँ है? उस गाड़ी को यहाँ से गए कोई 5 मिनट हुए, मगर वो गाड़ी दादर स्टेशन के यार्ड में आध घंटा ठहरे। इसे हिरासत में रखो। इससे चोरों का कुछ पता ना चलेगा। हमीद खान, न जाने हमारी बदनसीबी कब तक हमारा पीछा करेगी। मेरे ख्याल में तो तुम निहायत खुशनसीब हो कि चोरी के माल से भरपूर 2 वैगन तुम्हारे हाथ लग गई। इस कामयाबी पर मुबारक। हमीद खान, ये कामयाबी नाकामी से भी बुरी है। मजा तो जब था कि बंदूकें चुराने वाले दुश्मन हमारे हाथ लगते। इस नाकामी पर इस तरफ हमारे अफसर नाराज होंगे, उस तरफ हमारे दुश्मन हमारी हंसी उड़ाएंगे कि एक औरत हमसे बाजी मार ले गई। हमीद खान, क्या औरतें ऐसी चालाक, मक्कार और धोखेबाज हो सकती हैं? तुम्हें तो बहुत वास्ता पड़ा होगा औरतों से। नहीं सतीश, मुझे तो अभी तक एक ही औरत से वास्ता पड़ा है, और वो मेरी बीवी है। मगर वो इतनी अच्छी औरत है कि इस वक्त 2 बज जाने पर भी भूखी प्यासी मेरी राह देखती होगी। अच्छा हमीद खान, इस जगह माथा फोड़ने से कोई फायदा नहीं। अब तुम इन पार्सलों और वैगनों पर पहरा बिठाकर घर जाओ। मैं सुबह को दफ्तर में मिलूंगा तुमसे। ठहरो, मैं पहुंचा दूं। किधर जाओगे? जिधर पांव ले जाए उधर।
करना मोहिनी, इतनी रात गए मुझे यहां ना आना चाहिए था। न जाने किस बेखुदी के आलम में यहां तक खींचा चला आया हूं। अब भगवान के लिए साफ साफ लफ्जों में कहो, बात क्या है? मोहिनी, आज रात यूं तो मैंने एक बहुत बड़ा काम किया कि चोरी गई हुई बंदूकों से भरे हुए दो वैगन पकड़ लिए, मगर चोरों का कुछ पता नहीं लगा, जिसकी वजह से मैं अपनी नजरों में निकम्मा अफसर हूं। और अब मेरी नाकामी की शर्म मुझे और शर्मिंदा कर रही है, जब से मुझे ये खबर लगी है कि चोरों के गिरोह की लीडर एक औरत है। एक औरत? हाँ, उस एक औरत की करतूत ने मेरे दिल में औरत के नाम से नफरत पैदा कर दी है। सतीश, तुम औरत को क्या जानो? औरत को सिर्फ औरत ही समझ सकती है। तुम्हें सारी औरतों को तो क्या, उन चोरों के गिरोह वाली एक औरत को भी बुरा भला कहने का कोई हक नहीं, जब तक तुम्हें उसके कसूर का सारा हाल मालूम ना हो। क्या इतनी बड़ी चोरी, और चोरी भी वो चोरी जो अपने देश के खिलाफ हो, काफी कसूर और जुर्म नहीं? तुम जिसे कसूर और जुर्म कह रहे हो, शायद वो कसूर और जुर्म उस औरत की नजरों में एक अच्छा काम हो। सतीश, औरत के इरादे की कोई हद नहीं होती। मोहब्बत करने पे आए तो अपने आप को मिटा दे, नफरत पे तुल जाए तो दूसरों को तबाह कर डाले। मुमकिन है कि वो औरत ये काम अपने मुल्क के खिलाफ किसी बात का बदला लेने के इरादे से कर रही हो। मोहिनी, तुम अपनी जात की तरफदारी में ऐसी दलीलों से काम न लो। मुमकिन है उसके दिल को ठेस लगी हो। फिर भी उस दिल में देश की बुराई का ख्याल ना आना चाहिए। मुमकिन है उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई हो। तो उसके लिए देश की इज्जत पर हाथ न डालना चाहिए। मुमकिन है कि उसके आबरू का शीशा फाश फाश किया गया हो। क्या एक औरत की आबरू उसके देश के लिए अपने आप को भूल जाना पड़ता है? देश के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। बारिश की नन्ही और निर्मल बूंदें पहले अपने आप को सागर में मिटा देती हैं, फिर वही बूंदें सागर की तह से आबदार मोती बनकर निकलती हैं। कुर्बानी कभी जाया नहीं जाती मोहिनी, इसलिए हम सबकी इज्जत इसी में है कि हम अपनी आबरू तक का बलिदान देकर देश की आन और आबरू कायम रखें। अगर तुम्हारा यह भयानक सपना सच्चा है कि वो गद्दार औरत किसी बदले की नीयत से ऐसी गद्दारी कर रही है, तो भगवान करे मुझे उस औरत का पता मिल जाए, मैं उसे भूली डगर से सीधे रास्ते पर ले आऊं और उसे नर की गहरी खो से निकालकर स्वर्ग का सुनहरा जीना दिखा दूं। ऐ काश किसी तरह मेरा ये अरमान पूरा हो जाए। हो सकता है मैं उस औरत को जानती हूं। मोहिनी, क्या ये मुमकिन है, या तुम कोई सुंदर सपना देख रही हो? सपना नहीं देख रही, सच कह रही हूं। कौन है वो औरत? कौन है, बता दो। मुझे एक औरत पर शक है। अगर मेरा शक सच्चा साबित हुआ तो यकीन मानो, मैं उसकी आंखों से गद्दारी के काले पर्दे हटाकर तुम्हारे हवाले कर दूंगी। मोहिनी, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा कर दो तो कब तक ये काम कर सकोगी? तुम्हारी पुलिस को कितने दिन लगे थे बंदूकों की चोरी पकड़ने में? यही कोई 15 दिन। मुझे 15 घंटों की मोहलत तो दोगे? आज रात के 8 बजे मुझसे यहीं मिलना, शायद मैं उस औरत को तुम्हारे हवाले कर सकूं। 8 बजे? हाँ, लेकिन उस औरत को गिरफ्तार करने से तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे लिए इज्जत और शोहरत के पुरबहार रास्ते खुल जाएंगे। हमराइयों में मेरा सर ऊंचा होगा, मेरा मुल्क मुझ पर नाज करेगा। और क्या? और ये कि मैं और मेरे दिल की देवी तो उसे एक हो जाएंगे, और जमाना मोहिनी को सतीश मोहिनी कहकर पुकारेगा। जमाना मोहिनी को सतीश मोहिनी कहकर पुकारेगा।
समाना क्या जाने। गिरफ्तार करने से तुम्हें क्या मिलेगा? मैं और मेरे दिल की देवी दो से एक हो जाएंगे। नहीं, तुम अपने दिल की देवी को देश की डायन समझकर उससे नफरत करने लगोगे। मेरे लिए इज्जत और शोहरत के पुरबहार रास्ते खुल जाएंगे। अच्छा, तो मैं तुम्हारी इज्जत और शोहरत पर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दूंगी। Yeah.
सुन लिया होगा, मेरे भाई धर लिए गए। हाँ हाँ वकील साहब, इनके भाई को जमानत पर छुड़ा लो ना। नहीं, वो जमानत पर रिहा नहीं हो सकते। जालिम सतीश ने उन पर बड़ा सख्त जुर्म लगा दिया है। अच्छा, भगवान भला करे, ऐसे नाजुक कामों में खतरा तो हुआ ही करता है। तुम्हारी भला से तुम तो गोलियां निगल कर अपना दिल ठीक कर लेते हो, मैं क्या करूं? जी में आता है कि भांडा फोड़ दूं और अपने साथ तुम सबको जेल की सैर करा दूं। भाई, इस आपस की तकरार में सिवाय हथकड़ी और जेल के कुछ ना मिलेगा। फिर तुम ही कुछ बताओ जिससे बारूद भाई का भाई भी बच जाए और हम सब भी छूट जाए। घबराओ नहीं, मैंने यही सोच के एक तरकीब निकाली है जिससे सतीश की कार्रवाई झूठी साबित हो और तुम लोग सांप छूट जाओ। सांप भी मरे, लाठी भी ना टूटे। वो कैसे? जरा इसका बोलो, कोई सुन लेगा। ये तुम्हारे मेहता है ना? मेहता जानते हो कौन है? कौन है? घबराने की कोई बात नहीं, सुनो, मैं जैसा कहूँ वैसा करते जाओ। यस, ऑलराइट। डिप्टी कमिश्नर साहब, अब इंस्पेक्टर सतीश रिश्वत खाने में हद से बड़ा जाता है। आप उसे कामयाब और एतबारी अफसर समझते हैं, मगर असल में वो डबल चाल चल रहा है। चोर से कहे चोरी कर, कोतवाल से कहे होशियार। सुनने में आया है कि अब तक वो हजारों रुपयों की रकमें खा चुका है। आज सुबह इनके भाई को झूठे जुर्म में गिरफ्तार कर दिया। अब उसे छोड़ने के लिए 50,000 रुपये का सोना तलब करता है। ये देखिए, यही सोना है जो हम उसे देना चाहते हैं। आप इस पर निशान कर दें तो हम उसकी रिश्वतखोरी आज ही साबित कर दिखाएं। सेठ धनीराम, होश की दवा लो। सतीश पर इल्जाम लगाना गोया चांद पर धूल उछालना है। मेरे लिए सतीश पर जरा सा शक लाना भी नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। जाइए से, मेरा वक्त जाया न कीजिए। मगर आपसे इंसाफ तलब करना हमारा हक है। जनता की भलाई के लिए आपको सतीश का इम्तिहान लेना ही चाहिए। आप सोने की इन तख्तियों पर निशान कर दीजिए, फिर आपसे आप जाहिर हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। सेठ धनीराम, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। अगर तुम्हारा इल्जाम गलत निकला तो मैं उसका नतीजा भुगतने को तैयार हूं। ऑल राइट। मेहता साहब, याद है ना हमने उस दिन 2.5 लाख का सोना खरीद किया था? जी हाँ, मैंने उसी वक्त हिसाब में दर्ज कर लिया था। उस सोने के दूने हो गए हैं आज। एक ही सौदे में 2.5 लाख का फायदा, उसमें से ये है तुम्हारा हिस्सा, 50,000 का सोना। थैंक यू। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं, तुम हमसे फायदा उठाते हो, हम तुमसे फायदा उठाते हैं। इसे संभाल कर रखना और घर जाते वक्त होशियार रहना। नहीं तो ऐसा करो, मेरी मोटर में बैठकर घर चले जाओ। ड्राइवर से कह दो अभी आपको घर पहुंचा दे। अच्छा, अब चपरासी से कह दो। पूरन, मेहता साहब गए क्या? जी हाँ। देखो, तुम दीपक महल को चले जाओ ना पक्का। वहाँ इंस्पेक्टर सतीश है, अपने मेहता साहब के बेटे। उनसे कहो कि मेहता साहब बड़े परेशान हैं और आपको घर पे बुलाया फौरन। जी बहुत अच्छा। और सुनो, जैसे ही इंस्पेक्टर सतीश दफ्तर से रवाना हो तुम हमें टेलीफोन पर खबर कर देना। जी, तुम उनके दफ्तर से आए हो? जी हाँ। क्या पिताजी बहुत बेचैन है? जी हाँ, इसलिए दफ्तर से जल्दी घर चले गए, आपको घर पे बुलाया है। कौन? पूरन? अच्छा, इंस्पेक्टर सतीश घर चले गए। ठीक, बहुत ठीक। अब डिप्टी कमिश्नर को फोन पे खबर कर दो। डिप्टी
डिप्टी कमिश्नर खुफिया पुलिस। कौन? डिप्टी कमिश्नर साहब जी, मैं सेठ धनीराम। सतीश ने सोना लेकर अपने बाप के घर में छुपा दिया है, खुद भी वही है। फौरन कार्रवाई की जाए। पिताजी, पिताजी क्या बात है? कोई बात नहीं। आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? एक कीमती तिजोरी, इसमें जड़ाऊ गहने और साथ ही खालिस सोने की तख्तियां। इतना बड़ा पाप और इस पाप पर पर्दा डालने के लिए अपना ये पवित्र झंडा। पिताजी, आप इस तिरंगे को कभी शुभ तिरंगा कहा करते थे और आज इसका ये अपमान। ये खजाना कहां से आया? ये मेरा अपना है, मेरी अपनी कमाई का। आपकी मेहनत की कमाई तो सिर्फ 5 रुपए रोजाना है। 150 रुपए महीना तनख्वाह पाने वाला क्लर्क जंतर मंतर के जोर से भी ऐसा चंभा पैदा नहीं कर सकता। अब मुझे आपकी परेशानी का सबब मालूम हुआ। आप अच्छी भली गरीबी छोड़कर अमीर बनना चाहते हैं। क्या तुम एक अमीर बाप के बेटे नहीं बनना चाहते? खानदानी इज्जत और शराफत नहीं हासिल करना चाहते? इज्जत और शराफत काली दौलत से नहीं मिलती, गाढ़े पसीने की मेहनत मजदूरी से मिलती है। पिताजी, ये सिर्फ पाप ही नहीं बल्कि अपराध है। इस जुर्म में आप किसी दिन कैद हो जाएंगे। कैद? अब मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि मैं आपसे अलग रहा। अगर मैं इसी घर में रहता तो मुझे आपके काले धंधे का पता चल जाता और मैं आपको ऐसा करने से फौरन रोक देता। पिताजी, मुझे हरगिज ये उम्मीद न थी कि आप इस चमकीले सोने के चंद फरेबी टुकड़ों के धोखे में आ जाएंगे और अपने काले धंधे से हमारा मुंह काला कर देंगे। सतीश, मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए, तुम्हारी मां के लिए, तुम्हारे भाई बहनों के लिए, क्या मेरे बाद सतीश की मां चक्की पीसती रहे? सतीश के भाई बहन चने कने के आगे हाथ उसारते फिरे, अपने नाम की लाज गवाए? पिताजी, मुझे भी रोना है तो इसी नाम की लाज का। आपके नाम की लाज, आपकी इज्जत का पास, आपके बुढ़ापे की शक। मुझे अच्छे बाप का बुरा बेटा कहलाना मंजूर है, बुरे बाप का अच्छा बेटा कहलाना गवारा नहीं। सतीश, सतीश, हमें इस घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? हाँ, तलाशी। तिजोरी किसकी है? सतीश, ये तिजोरी किसकी है? मेरी। ये माल किसका है? मेरा। और ये सोना? ये भी मेरा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि तुमने रिश्वत ली? रिश्वत? हाँ, रिश्वत। ये देखो, इस पे मेरा निशान। मुझे सख्त अफसोस है सतीश, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने पर मजबूर हूं। वकील साहब, वाह, सचमुच सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। और सबसे बड़ा कमाल तो यह है कि सतीश ने अपना जुर्म भी मान लिया। आखिर अनाड़ी है ना,
मैं चाहूं तो अभी छुड़ा लाऊं उसे। अरे अरे कहीं ये गजब न कर बैठना। वकील साहब कितनी सजा पाएगा सतीश? 3 साल तो कहीं नहीं गए, मेरे ख्याल में तो कल ही फैसला हो जाएगा। सुनो दोस्तों, कल अपनी जीत और अपनी शान का दिन है, तुम लोग अदालत में मौजूद रहना। बारूद भाई ले आना अपने सारे दोस्तों को, जरा लुत्फ रहेगा। आज की ताजा खबर, 50,000 रुपए का सोना पुलिस इंस्पेक्टर के कब्जे में, रिश्वत का माल बरामद, मशहूर पुलिस इंस्पेक्टर सतीश गिरफ्तार, मशहूर पुलिस इंस्पेक्टर सतीश गिरफ्तार। सतीश गिरफ्तार? नहीं नहीं ऐसा कभी ना होगा, मैं ऐसा कभी ना होने दूंगी। देर से कहाँ चली वो मोहनी? मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में। किस लिए? आखिर क्या हुआ? कानून तोड़ना सबके लिए बराबर का अपराध है, लेकिन वो अपराध बहुत बड़ा अपराध बन जाता है जब अपराधी एक सरकारी अफसर हो। इसलिए मैंने अपने फैसले में इंस्पेक्टर सतीश की सजा तजवीज करते हुए बड़ी सख्ती से काम लिया है। अदालत के पास एक दरखास्त आई है जिसमें दरखास्त करने वाले ने इस मुकदमे में गवाही देने की ख्वाहिश दायर की है। किसी को कोई एतराज तो नहीं? इस बात का अदालत को पूरा पूरा इख्तियार है। अदालत का खास हुक्म है कि जब तक अदालत की कार्रवाई खत्म ना हो जाए इस कमरे से किसी शख्स को बाहर जाने की इजाजत ना होगी। बैठ जाइए, मजिस्ट्रेट साहब का हुक्म है। ये कैसा हुक्म है? आजादी मिलने पर भी हमारा शरीयत छीना जा रहा है। अदालत का अपमान, इन महाशय को गिरफ्तार किया जाए। नए गवाह को हाजिर करो। क्या तुम इंस्पेक्टर सतीश की तरफ से सफाई की गवाही पेश करना चाहती हो? जी हाँ। इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? मोहिनी। ईश्वर को साक्षी मानकर कहती हूँ कि जो कुछ कहूंगी सच सच कहूंगी, झूठ ना बोलूंगी। तुम कौन हो? मैं एक जालिम औरत, खतरनाक चोर और इस देश की दुश्मन हूँ। क्या ऐसी औरत की गवाही पर भरोसा किया जा सकता है? मुझे एतराज है। एतराज नामंजूर, बयान जारी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने इंस्पेक्टर सतीश पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाकर उसे गिरफ्तार कराया है वो लोग खुद बड़े अपराधी और जनता के जानी दुश्मन हैं। इंस्पेक्टर सतीश उन लोगों की साजिश का शिकार हुआ है, वरना इंस्पेक्टर सतीश जैसा बहादुर अफसर और सच्चा देश सेवक गवाह सिर्फ गवाही दे सकता है, अपराधी की वकालत नहीं कर सकता। इस बात का फैसला मेरा सारा बयान सुनने के बाद किया जाए। मुझे जो कुछ कहना है उससे इंस्पेक्टर सतीश की बेगुनाही आप से आप साबित हो जाएगी। मुझे पूरा बयान देने की इजाजत मिलनी चाहिए। बयान जारी। पैसे के लिए अपने देश तक को बेचने वाले वो सब सौदागर इसी जगह मौजूद हैं। मेरा इनसे काले धंधे का व्यापार रहा। इन लोगों ने कानून तोड़कर मुझसे लाखों रुपयों का सौदा किया। थाना के सागर किनारे पर
कपड़े की गांठों से लदी हुई किश्ती जिस पर इंस्पेक्टर सतीश ने हमला किया था, वो माल ताजमहल मिल के मालिक राय साहब बंसीधर ने मुझे को बेचा था सेठ धनीराम की मार्फत। फौजी डिपो से जो सरकारी बंदूकें चुराई गई थी, वो बंदूकें बारूद भाई हथियार वाला ने चोरी चोरी खरीदी और मेरे हाथ बेची सेठ धनीराम की मार्फत। इन सबको कानूनी सलाह मशवरा देकर इनके साथ हराम की कमाई में हिस्सा लेने वाले वो बैठे हैं वकील साहब गणपत राय सेठ धनीराम के बराबर। बंदूकों वाले व्यापार में जो 5 लाख रुपए का सोना मैंने सेठ धनीराम को दिया था, वो सोना दिसावर से मेरे लिए हवाई जहाज में आया था। उस सोने को हवाई स्टेशन से बाहर लाने में मदद करने वाले कस्टम ऑफिसर गुलजार सिंह सेठ धनीराम के दोस्त। अब अदालत तुमसे तलब करती है कि एक एक इल्जाम का सबूत पेश करो, वरना तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। सबूत पेश करो जल्दी। सबूत ये कि मैंने जो कुछ कहा है सच कहा है। ये तुम कहती हो, मगर हम कैसे माने? आपको मानना पड़ेगा, मैं झूठी नहीं। तुम झूठी नहीं, सच्ची हो, इसका क्या सबूत? मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि ये सब अपराधी हैं। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि इस गवाह को गिरफ्तार किया जाए ताकि अदालत का कीमती वक्त जाया ना हो। आपको मेरी सच्चाई पर यकीन क्यों नहीं आता? मैं अपराधी, झूठी, पापी, फरेबी सही, लेकिन क्या मेरे लिए सच बोलना नामुमकिन है? क्या पापियों के लिए पछताना मना है? क्या बुरे लोगों को अच्छा बनने का हक नहीं? क्या चोरों और डाकुओं को सुधरने का अख्तियार नहीं? मैंने एक मुद्दत के बाद सच्चाई का रास्ता लिया है, अब मुझे उस रास्ते से न ढकेलो। मैंने सच कहने की सौगंध खाई है, जो कुछ कहा है सच सच कहा है, सच कहना चाहती हूँ। मेरी बात को सच मानिए, भगवान के लिए मुझ पर यकीन कीजिए। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता, कोई नहीं हटा सकता। जब तक सतीश निर्दोष साबित न हो जाए, मैं यही डटी रहूंगी, यही जम जाऊंगी, ढेर हो जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी, अपने बदन के टुकड़े टुकड़े करा दूंगी, लेकिन जान से हरगिज़ हरगिज़ न हटूंगी। सब इंस्पेक्टर, ठहरो, ये देखिए मेरी सच्चाई का सबूत। ये रहे पुलिस ऑफिसर भोलानाथ, जिन्होंने कपड़े की 50 काठे महिम के सागर किनारे से चोरी चोरी दिसावर भिजवाने में मेरी मदद की थी। ये देखिए इनकी कलाई पर सोने की घड़ी, ये वही घड़ी है जो मैंने उस मौके पर इन्हें रिश्वत में दी थी। बड़ी कीमती घड़ी है, 1000 रुपए की। बेशक कीमती घड़ी है, 1000 रुपए की भी हो सकती है, मगर तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि ये घड़ी भोलानाथ ने तुमसे रिश्वत में ली थी? इसे खोलकर देखने से मालूम हो जाएगा, इसके अंदर मेरा नाम खुदा हुआ है, मोहिनी। अच्छा, और? और? ठहरिए, हाँ, अब मुझे याद आया, जिस सोने का इल्जाम इंस्पेक्टर सतीश पर लगाया गया है, शायद वो सोना उसी सोने का हिस्सा है जो मैंने सेठ धनीराम को दिया था। अगर ऐसा है तो उस सोने की हर एक तख्ती के किनारे पर 4-4 बारीक तारे खुदे होने चाहिए। जरा देखिए तो अभी मालूम हो जाए। बेशक, मैजिस्ट्रेट साहब के हुक्म से आप सबको गिरफ्तार किया जाता है। मोहिनी देवी, घड़ी और सोने का सबूत पेश करके तुमने कई एक नए मुलजिम गिरफ्तार कराने में अदालत की मदद जरूर की है, लेकिन इन नए मुलजिमों से इंस्पेक्टर सतीश के रिश्वत लेने का अपराध कम नहीं होता। मैं फिर कहती हूँ कि सतीश बिल्कुल निर्दोष है। इंस्पेक्टर सतीश कोई मामूली अफसर नहीं,
उसने लाखों रुपयों के माल का खोज निकाला, चोरों के अड्डों पर छापे मारे, दुश्मन के खुफिया रेडियो स्टेशन पर धावा किया, कई बार अपनी जान खतरे में डालकर ड्यूटी निभाई, बीमारी की हालत में अस्पताल से भागकर बंदूकों से भरी हुई वैगनों पर कामयाब हल्ला किया। ऐसा अफसर अपने देश के साथ बेईमानी करेगा? ऐसा अफसर जिसने अपनी देशभक्ति के कसबल पर मुझसे गद्दार औरत को सीधा रास्ता दिखाया। तुमने अपने देश से गद्दारी किस लिए की? उसका सबब? मेरे मां बाप, मेरे अपने लोग, मेरा अपना देश गए मलबे में हजारों दूसरी मासूम लड़कियों की तरह, मैं भी जालिमों के जुल्म का शिकार बनी। उन बेरहम बदकारों ने मेरी आबरू का आईना चूर चूर कर दिया। उस वक्त मेरी हालत एक मसली हुई कली, घायल पंछी, बुझी हुई शमा और टूटे हुए सांस किसी थी। बेजान, बेजबान, बेकस, बेबस। मगर उन जालिमों से भी कहीं ज्यादा बुरा सुलूक मुझसे मेरे माँ बाप ने किया कि मुझे अपनाने और पहचानने तक से इनकार कर दिया। अपनी मर्जी से पेशा करने वाली वेश्या के माँ बाप भी उसे अपनी बेटी कहने से नहीं शर्माते, मगर मुझ बेकसूर और निर्दोष बेचारी को मेरे माँ बाप ने एक बेहया बेसवा समझ कर धत्कार दिया। कैसी बेटी और किसकी जाई? जब माँ बाप के ये तेवर देखे तो अपनी बिरादरी और अपनी जाति के लोगों ने भी पत्थरों से मार भगाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुझे अपनों से निराश होकर दूसरों का सहारा ढूंढना पड़ा। अपनों की नफरत ने मेरे दिल में भी अपने लोगों से नफरत पैदा कर दी। मैंने अपनों से बदला लेने की ठान ली और बदले के अंधे जोश में अपने देश की दुश्मन बन गई। मोहिनी देवी, तुम्हारी दुख भरी कहानी से अदालत को बड़ी हमदर्दी है, मगर इससे इंस्पेक्टर सतीश का क्या वास्ता? इंस्पेक्टर सतीश ने मेरी आंखों से गद्दारी के काले पर्दे यूं हटा दिए कि आज मैं अपने आप को अपने देश के कानून के हवाले कर रही हूं। मैंने कल रात के 8 बजे से आज सुबह तक तुम्हारा इंतजार किया, आखिर मुझे यहाँ आकर अपना वायदा पूरा करना पड़ा। मैंने कहा था ना कि उस औरत को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। मुझे कभी इस बात का शक भी न गुजरता कि वो औरत तुम हो सकती हो, और अब ये मालूम करके तुम्हें मुझसे बेहद नफरत नहीं। मोहिनी, तुम मुझे कई बार बहादुर कह चुकी हो, मगर मैं आज से तुम्हें बहादुर मानता हूं, क्योंकि सच्चा बहादुर और दिलेर वो है जो दुनिया के सामने अपनी कमजोरी, अपनी गलती, अपनी बुराई का मर्दाना वार इकरार कर ले। इस वक्त इंस्पेक्टर सतीश के मुकदमे ने एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है, कई एक नए मुलजम भी गिरफ्तार हुए हैं, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि ज्यादा छानबीन के लिए वक्त दिया जाए और मोहिनी देवी को सरकार की तरफ से माफी का गवाह बनाया जाए। दरख्वास्त मंजूर। इन सब अपराधियों पर मुकदमा चलाने के बाद फैसला सुनाया जाएगा। सबसे पहले मुझे यह कहना है कि इंस्पेक्टर सतीश अपने भोलेपन से दुश्मनों के बिछाए हुए जाल में फंस गया था। इसके खिलाफ रिश्वत लेने का अपराध झूठा साबित हुआ, इसलिए मैं बड़ी खुशी से इंस्पेक्टर सतीश को बाइज्जत बरी करने यानी छोड़ने का हुक्म देता हूं। अभी नहीं,
अब अपराधियों को पेश करो। सेठ धनीराम वगैरह सारे अपराधी हाजिर हों। अपराधियों को सजा देने से पहले हमें यह देखना है कि इनका अपराध क्या है। काली दौलत का लालच, फिर हमें यह देखना है कि ऐसी दौलत के इतने लालची लोग कौन हैं। पसीना बहाने वाले मजदूर नहीं, हल चलाने वाले किसान नहीं, मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब नहीं, बल्कि काले बाजार से पैसा कमाने वाले धनवान लोग। ये लोग, ये बेईमान धनवान, यही धनीराम, यही बारूद भाई, यही गणपत राय, यही बंसीधर, पढ़े लिखे डाकू, समाज के चोर, आजादी के लुटेरे, देश के दुश्मन। इन झूठ मूठ के बड़े आदमियों से डर है कि इनके बुरे संस्कार का जहर कहीं छोटे लोगों में न फैल जाए, जैसा धनीराम के मेहता जी के जुर्म से जाहिर है। जगदीश नारायण, सोने चांदी की झंकार पर राल टपकाने वाले, हिंदुस्तान की सफेद पोश बिरादरी को कलंक लगाने वाले, जो काले बाजार के धंधे में अमीरों का हाथ बटाते हैं, अगर ये लोग अपना हाथ खींच लें तो काले बाजार वालों का काम मुश्किल हो जाए। और इन अपराधियों के साथ ही पुलिस ऑफिसर भोलानाथ, कस्टम ऑफिसर गुलजार सिंह, पार्सल क्लार्क हरिदास और फौजी डिपो के स्टोर कीपर जॉन बार्बर, ये हैं आस्तीन के सांप, दूध पीकर जहर उगलने वाले, जिन्हें हिंदुस्तानी कहने में जबान पर छाले पड़ जाने का डर लगता है। अब हमें चाहिए कि हम गुलामी की सारी पुरानी बातों और बुरी आदतों को मलियामेट कर दें और अपने आप को आजादी के सच्चे हकदार साबित कर दिखाएं। नहीं तो डर है कि इस तिजोरी के तिरंगे की तरह हमारी आजादी का रंग भी फीका पड़ जाएगा और होते होते इस रंग का नामो निशान तक बाकी न रहेगा। हाँ, भूल न जाइए कि ऐसा भी हो सकता है, मगर क्या हम, हमारी सरकार और हमारे नेता ऐसा होने देंगे? हरगिज नहीं। अगर हमारे देश में चंद एक गद्दार हैं तो उनके मुकाबले में हमारे यहां सतीश जैसे देश सेवक भी हैं। हमें उनसे पूरी पूरी आशा है कि वो अपने देश की इज्जत और आबरू का झंडा दुनिया भर की बुलंदियों पर ले जाएंगे और उसके रंगीन निशान की चमक दमक से अपने प्यारे देश का नाम रोशन करेंगे। अब मैं अपराधियों की सजाएं सुनाता हूं। सेठ धनीराम, 7 साल सख्त कैद, 5 लाख रुपया जुर्माना। वकील गणपत राय, 3 साल सख्त कैद, 50,000 रुपया जुर्माना। मिल मालिक राय साहब बंसीधर, 3 साल सख्त कैद, 5 लाख रुपया जुर्माना। बारूद भाई हथियार वाला, 7 साल सख्त कैद, 2 लाख रुपया जुर्माना। जॉन बार्बर, 5 साल सख्त कैद। कस्टम ऑफिसर गुलजार सिंह, 3 साल सख्त कैद। पुलिस सब इंस्पेक्टर भोलानाथ, 3 साल सख्त कैद। अफजल दौलत वाली जी हथियार वाला, ट्रांसमीटर ऑपरेटर बिहारी, 3 साल सख्त कैद। रेलवे पार्सल क्लार्क हरिदास, 6 महीने सख्त कैद। जगदीश नारायण, 6 महीने सख्त कैद।